नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है YouTube चैनल पर। आज मैं आपको वापस वही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ जो कल हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो सभी आप अपनी अपनी नोट्सबुक निकाल लें और चेक कर लें बुक्स में कि कौन सा सवाल है। जो क्वेश्चन दे रखा है ना वो आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या आपको दो कोण दे रखे हैं जो आपको सिद्ध करने हैं। इसमें क्या रखा है कि अगर आपके पास कोस ए और कोस बी, अगर कह रखा है कि ये दोनों अगर बराबर है तो आपको सिद्ध क्या करना है, कोण ए और कोण बी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और जो आपको त्रिभुज दे रखा है वो त्रिभुज ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री का। अब इसमें देखो, कोस ए और कोस बी दोनों ही थीटा दे रखे हैं, तो ये मान लेता हूं मैं ए और ये मान लेता हूं मैं बी, तो फिर सी क्या हो जाएगा, समकोण। एक ही त्रिभुज के अंदर है, दो अलग अलग त्रिभुज नहीं है, ठीक है मान लेते हैं। और अब चाहो तो आप दो अलग अलग त्रिभुज भी लेकर कह सकते हो, एक ही त्रिभुज में सही रहेगा। तो सबको पता है कोस थीटा का अनुपात क्या होगा, आधार बट्टा करण। कल मैंने बताया भी था पिछले वाली क्लास में, सभी 6 के 6 अनुपात, तो आधार बट्टा करण, तो कोस ए का मान क्या हो जाएगा। अब कोस ए, तो ए का आधार कौन सा है, एसी, आधार क्या है एसी अपॉन, और फिर ये ए बी कर्ण हाइपोटेनस ए बी, और कोस बी का मान इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और कोस बी का मान क्या है, कोस बी, तो इसके अंदर आधार क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी बट्टा ए बी, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 2 का मान ये, समीकरण 3 का मान ये, दोनों को हम समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोस ए और कोस बी दोनों बराबर है, तो रखते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए सी बट्टा ए बी इक्वल बी सी बट्टा ए बी। अब दोनों में ए बी बराबर है, तो ए बी से ए बी कैंसिल, पीछे क्या बचा, ए सी इक्वल बी सी। अगर ए बी मतलब अभी ए बी तो कट गया था, ए सी और अगर बी सी अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में भुजा
एसी और भुजा बीसी दोनों बराबर है तो इनके साथ साथ है सामने वाले कौन भी बराबर होंगे अतः कोण ए इक्वल कोण बी ये हो गया प्रूफ। समझ गए होंगे आप कैसे हुआ कि हमें क्वेश्चन में तो दे रखा है कॉस ए और कॉस बी और हमें सिद्ध क्या करना है ये दोनों। अब कॉस का मान सबको पता है कि आधार और कर्ण होता है, और नहीं बताया तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। अब देख लो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और कोस ए का मान ये, कोस बी का मान ये, इन दोनों का मान उठाकर हम समीकरण एक में रख देंगे, जिसके कारण हमें ए सी और बी सी दोनों मिल गए और दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो कौन ए और कौन बी दोनों बराबर होंगे। ठीक है तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दो प्रश्न दे रखे हैं। एक तो आपको दे रखा है कोट का मान, कोट का मान क्या दे रखा है 7/8, और जो दूसरा दे रखा है, अच्छा फिर उसमें पूछ रखा है, तो जो पहला पूछ रखा है वो है, इसमें पूछा आपसे कि कोट का मान अगर ये दे रखा है तो आपको क्या सिद्ध क्या ज्ञात करना है, 1 + sin θ और 1 - sin θ अपॉन 1 cos θ और 1 - cos θ हमें यह सिद्ध करना है। हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। जो पहला है वो क्या है कि इसी को ही सिद्ध कर लो, इसी को ही सॉल्व कर लो आप, और यहां पर मैं बताऊंगा आपको दूसरा तरीका, जो आपको पसंद आए वो आप ले लेना। तो पहला तरीका क्या है कि एक सरल समीकरण है, एक सरल समीकरण है a+b और a-b, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो तो इसका मान क्या होगा, a² - b²। तो वही है कि ये प्लस में दे रखा है ये माइनस में दे रखा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग, 1 - sin²θ, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1² - cos²θ। मैं अब एक का स्क्वायर क्या होता है, एक,
तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब आपको पता होगा कि साइन थीटा कोस थीटा की तीन सरल समीकरण हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सरल समीकरण हैं, इन तीनों सरल समीकरणों से जो पहली सरल समीकरण ना उसी का हम यूज लेते हैं। तो पहली सरल समीकरण क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का, तो ये जैसे ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो फिर दूसरी बार में अगर ये वहां पर जाएगा तो ये प्लस का वहां पर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहां पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दोनों दे रखे हैं, कोस बटा साइन क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कोस बटा साइन। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कोस बटा साइन क्या होता है, कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा का मान हमें क्या दे रखा है, 7/8, 7/8 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 49/64 हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या है कि हमें साइन और कोस दोनों का हमें मान निकालना होगा अलग अलग। तो साइन और कोस का मान हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो कोस दे रखा है ये कोट सॉरी कोट थीटा या फिर ये थीटा है, कोट थीटा का मान 7/8 और कोट के अंदर ये क्या होता है बेस और नीचे वाले क्या होता है लेंथ। तो हमें निकालना है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का सूत्र क्या होगा 49 + 64। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने कल बहुत बताया था बार बार, अंडर रूट 113 होंगे ना, 40 और 60 9 और 1 10 और फिर 113। तो फिर ये हो गया हाइपोटेनस। और फिर साइन का मान निकाल लें तो साइन थीटा का मान क्या होता है, लेंथ 8/ हाइपोटेनस 113। और कोस का मान निकाल लेते हैं तो कोस का मान क्या होगा, लेंथ सॉरी बेस 7/113। फिर हम इन दोनों का मान इसमें रख देते हैं तो क्या होगा 1 + 8/113 और 1 - 8/113 फिर 1 प्लस
सात बट्टा 113, वन माइनस सात बट्टे 113, फिर वही सरसमी का प्लस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस 8 का स्क्वायर 64, और अंडर रूट 13 का स्क्वायर 113 अपॉन वन माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। फिर इन दोनों का लेसअप लेंगे, लेसअप लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113, वापस 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113 से 113 कैंसिल, 113 में से 64 गए, पीछे कितने बचे 49, और 113 में से 49 गए, पीछे कितने बचे 64। ये आंसर और ये भी आंसर, दोनों आंसर सेम है, मिल रहे हैं, तो दोनों विधियां सही है। आप जिस विधि का उपयोग करना चाहते हो उस विधि का उपयोग कर लो, बस ये है कि इसमें आपको पहले ही डायरेक्ट आप क्वेश्चन को ही सोल्व कर लेते हो, लेकिन इसमें आपको बस लेंथली पड़ता है ये कैलकुलेशन, क्योंकि आप इसमें पहले साइन का मान निकालते हो, फिर कोस का मान निकालते हो, फिर दोनों का मान पुट करते हो, पुट करने के बाद आप इसमें कैलकुलेशन करते हो, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम बोर्ड में कुछ कैलकुलेशन में इतना टाइम लगाएं। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लो सरसमी का लगाकर, फिर डायरेक्ट इसका मान निकाल लो, समझ गए। और जो अगला दे रखा है वो तो डायरेक्ट दे रखा है कोट का मान, कि इसका स्क्वायर करना है, तो आपको इसका स्क्वायर करना तो आपको पता ही चल गया, ये रहा कोट 7/8 का स्क्वायर, ये आएगा आपको। मैं लिख देता हूं कोट स्क्वायर थीटा, तो 7/8 का स्क्वायर 49 अपॉन 64, इसमें तो बस स्क्वायर ही करना था, समझ आ गया होगा आपको। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि आप बुक में पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है, तीन कोट ए इक्वल टू चार, थ्री कोट ए इक्वल फोर, ये दे रखा है और आपको पूछ क्या रखा है। अच्छा, आपको बस सिद्ध करना है कि वन माइनस 10 है, वन माइनस 10 स्क्वेयर है अपॉन वन प्लस 10 स्क्वेयर है, क्या बराबर है या नहीं है कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए के। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन, आपको बताना है कि जो ये मान दे रखा है ना, इसका मान अगर इन दोनों के मान मतलब तीनों का मान निकाल कर अगर पुट करके अगर हम देखते हैं कि दोनों का मान सेम आता है या नहीं है, बस हमें क्वेश्चन ये पूछा है, तो हम निकाल लेते हैं पहले कोट ए का मान 4/3, कोट क्या होता है बेस और लेंथ,
तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस का मान क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 कुल 25, 25 का क्या होता है 5, तो हमें 10 का मान निकल जाएगा। 10 ए का मान क्या होगा, बेस और लेंथ का 3/4, साइन ए का मान 3/5 और कोस ए का मान 4/5। इन तीनों का मान हमने निकाल लिया। हाइपोटेनस का मान निकालने के बाद तीनों का मान निकल गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें अलग अलग पुट करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले एल एच एस लेने पर एल एच एस कौन सा, ये तो 1 - 10² a / 1 + 10² a, तो पुट करते हैं मान इसमें 1 - 10 का मान 3/4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 9/16। इसका एलएचएस वो एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, 16 - 9/16 / 16 + 9/16, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए, पीछे कितने बचे 7, और 16 और 9 = 25। तो हमारे पास एलसीएम का मान क्या आ गया, सॉरी एलएचएस का मान आ रहा है 7/25। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो आरएचएस लेते हैं फिर, आरएचएस लेने पर, तो आरएचएस में कोस में से साइन दिया हुआ है, कोस का स्क्वायर निकालना है, फिर साइन का स्क्वायर निकालना है, फिर दोनों में से डिवाइड करना है। तो कोस का स्क्वायर कितना है, 16/25। तो मैं पहले लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो कोस का मान है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है, 3/5 का स्क्वायर, तो 4 का 16/25 माइनस 9/25, तो 16 में से 9 गए, पीछे कितने बचे 7/25। ये है आरएचएस राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, अर्थात हाँ ये सही है। बस हमें यही सिद्ध करना था कि ये और ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसका बस एक ही तरीका है कि इसका मान निकालना है, फिर तीनों का मान निकल जाएगा, फिर तीनों का मान दोनों में पुट अलग अलग पुट करेंगे, इसमें टेन का मान, इसमें कॉस साइन का मान, दोनों में पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने है। 7/25 इसका आ रहा है, 7/25 उसका आ रहा है, तो लिख देंगे कि एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर है, अर्थात ये दोनों सही है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें कह रखा है कि जो कोण बी है वो 90 डिग्री है, समकोण। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कह रखा है कि जो ये कोण है ना बी,
ये आपको संपूर्ण दे रखा है और टेन का मान हमें दे रखा है, टेन एक का मान एक बट्टे अंडर रूट तीन। और हमें पूछ क्या रखा है, इसमें हमें दो अलग अलग पूछ रखे हैं। जो पहला पूछ रखा है वो पूछ रखा है कि साइन ए और कोस सी का मान क्या है, साइन ए और कोस सी प्लस करते हैं साइन सी और कोस ए का है कि अगर ये दे रखा है तो पहले इसका मान निकालना है और फिर दूसरा दूसरा क्या दे रखा है, कोस ए कोस सी और साइन ए साइन सी अर्थात कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी ये मान निकालना है। तो ये मान हम कैसे निकालेंगे, पता है आपको कि टेन का मान हमें दे रखा है, टेन क्या होता है आपको पता होगा, एल अपॉन ए, ए मतलब बेस आधार, लेंथ एंड बेस। तो हम हाइपोटेनस का मान निकाल लेते हैं, तो हाइपोटेनस कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, एक का स्क्वायर प्लस अंडर रूट तीन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक अंडर रूट तीन का स्क्वायर तीन क्या हो रहा है रूट चार, फिर इसका मान निकल जाएगा दो। तो हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का मान जो है वो क्या है दो। फिर हम एक त्रिभुज बना देते हैं ये त्रिभुज कोण ये दे रखा है बी, ये कोण ए और ये कोण सी। अब देखो कोण मैंने एक का मान निकाला है, एक का मान क्या दे रखा है एल और बी के रूप में, तो लेंथ तो क्या है एक, तो कोण ए ये है तो इसकी लेंथ कौन सी सामने वाली ये तो हो जाएगी एक, और जो बेस है वो है अंडर रूट तीन, और हाइपोटेनस किसी भी हालत में चेंज नहीं होती है। तो हम लिख लेते हैं साइन एक का मान, तो साइन ए का मान अर्थात लेंथ और हाइपोटेनस, तो साइन ए का मान एक बट्टे दो मल्टीप्लाई करते हैं कोस सी के मान से, तो कोस सी का मान ये है, अब इसके अंदर बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये, तो कोस का मान क्या होगा बेस और हाइपोटेनस प्लस साइन सी का मान क्या है, साइन ये सी थीटा सी को लेना साइन, तो सी के अकॉर्डिंग ये लेंथ है तो लेंथ क्या होगी अंडर रूट तीन बट्टा हाइपोटेनस, मल्टीप्लाई करते हैं कोस ए से, अब ए है थीटा, अब ए थीटा के अकॉर्डिंग ये आधार है बेस, तो फिर इसका हो जाएगा बेस तीन अपॉन हाइपोटेनस। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक को चाहे एक से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा वन, दो को दो से फोर प्लस अंडर रूट तीन और अंडर रूट तीन का मल्टीप्लाई तीन और दो का चार, ये दो और दो जोड़ने नहीं है दोनों दोनों मल्टीप्लाई, हालांकि दो और दो जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पर दोनों का मान एक ही आता है, तो एक बटा चार और तीन बटा चार अर्थात कह सकते हैं पाव और तीन पाव दोनों मिलकर क्या होगा एक। ठीक है चलो मैं ये क्वेश्चन यहां पर लिख लेता हूं।
कोस ए और कोस सी में से घटाना किसको है? साइन ए और साइन सी का मान। तो अब कोस ए का मान हमें पता है, अंडर रूट 3/2 हमने निकाल लिया था। अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई करते हैं कोस सी का मान, कोस सी का मान हमें पता है ये रहा कि पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला। साइन ए का मान ये रहा माइनस 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी का मान, ये रहा साइन सी का मान अंडर रूट 3/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 3 को, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को चाहे किसी भी साथ मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह संख्या सेम वापस आती है। ये रहा रूट 3, 2 को 2 के साथ ये हो गया रूट 4, माइनस 1 को 3 के साथ ये हो गया 3 और 2 को 2 के साथ ये हो गया 4। तो रूट 3/4 में से अगर 3/4 घटाऊं तो क्या हो रहा है? 0। अतः मेरे पास जितनी भी चीजें हैं मैं सबको सब में बांट दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 0। बस वही है, एक का मान एक आ रहा है, दूसरे का मान 0 आ रहा है। यह आपको लंबा क्वेश्चन ना पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंथी है, लेकिन जैसे आप उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हो ना, तो बस आसानी से वो होता चला जाता है। जो 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक आपके पास समकोण है, तो कोण क्यू है वो क्या दे रखा है? 90 डिग्री। हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास दे रखा है। और इसमें जो पी क्यू दे रखा है, पी क्यू उसका मान जो दे रखा है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और फिर इसमें दो भुजाओं का योग दे रखा है पी आर और क्यू आर। इन दोनों का योग क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पूछ क्या रखा है? इसमें पूछ रखा है कि साइन पी कोस पी और टेन पी का मान हमें निकालना है। क्या क्या निकालना है? साइन पी का मान, कोस पी का मान टेन पी का मान। अब देखो निकालना तो आसान है, बस तीनों भुजाएं चाहिए हमें। तो मैं त्रिभुज बना लेता हूं यहां पर, ये 90 डिग्री का, और 90 डिग्री क्या दे रखा है? कोण क्यू है वो 90 डिग्री दे रखा है, तो ये हमें बाध्य कर दिया। ठीक है कि जो कोण क्यू है वही 90 डिग्री है। अब इसमें क्या पी दे रखा है तीनों में, तो मैं क्या है कि आसानी से ताकि हमें पता चल सके बेस कौन सा है, तो पी को मैं यहां ले लेता हूं और पीछे बचा आर, ये मैं यहां ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो कि कोण पी सॉरी कोण नहीं भुजा पी क्यू का मान क्या दे रखा है? पी और क्यू का मान क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, और इस भुजा इन दोनों का योग दे रखा है। तो हमने पाइथागोरस पर में पढ़ा था हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है,
तो हमें हाइपोटेनस नहीं दे रखी है, लेंथ ये भी नहीं दे रखी है, ओनली पर हमें क्या दे रखा है, बेस। तो हम मान लेते हैं कि हाइपोटेनस का मान पी आर, तो मैं कह देता हूं कि जो पी आर है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। मैंने ये ले लिया और मैंने कुछ नहीं किया है कि पी आर का मान है वो मैंने निकाल लिया 25 में से, उसको उस तरफ भेज दिया, तो मेरे पास तो आ गया ये पी आर का मान क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, और क्यू आर को ऐसे क्यू आर ले लेता हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेनस का मान पी आर का स्क्वायर इक्वल लंब, लंब कौन सा है इसमें, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर माइनस बी बेस, बेस का क्यू पी का स्क्वायर। अब लिख लेता हूं मैं कि 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का मान हमें 5 दे रखा है, तो 5 का मैं क्या लेता हूँ, 5 का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 25 का 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस ले जाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ ए माइनस बी का जो स्क्वायर है ना उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी। तो ए स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए 25 इंटू 2 50, 50 सेंटीमीटर, और यहां पर क्यू आर ये आ गया। अब इक्वल में क्या है, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 5 का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये क्यू आर और ये क्यू आर दोनों सेम है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस का है उस तरफ चला जाएगा प्लस का, और ये माइनस का है इस तरफ आ जाएगा प्लस का। तो 625 और 25 कितने होते हैं, 650 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल, ये माइनस का उस तरफ गया तो क्या होगा, 50 सेंटीमीटर क्यू आर। अब क्यू आर का मान छह सौ पचास अपॉन 50 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो 0 से 0 कैंसिल ये गया, तो क्यू आर का मान क्या होगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, तो जैसे ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर 650 है ना, 650 की जगह क्या हो जाएगा, 600 ये हो गया 600। हाँ, और फिर क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान 12 निकल गया। तब ये मान इसके अंदर रख लेते हैं, इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं, तो क्या क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्यू आर का मान जैसे समीकरण 1 में रखा तो पी आर का मान क्या आ जाएगा, पी आर प्लस
12 सेंटीमीटर इक्वल 25 सेंटीमीटर, तो पी आर का मान क्या आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्यू आर भी है, हमारे पास पी आर भी है, और ये क्यू आर वो पी आर, तीनों भुजाओं का मान हमारे पास पता है, तो हम क्या इन तीनों का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, सॉरी तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि क्या है कि बोर्ड के ऊपर जगह कम है। अब देखो क्यू आर का मान हमारे पास क्या है, क्यू और आर का मान 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, और मैं पूछ क्या रखा है पी, ये पी को हम थीटा ले लेते हैं। अब साइन पी का मान, कोस का मान और टेन का मान मैं यहां लिख देता हूं, ये ए की जगह बी लिख देता हूं, ताकि क्या आपको पता चले बेस से, क्योंकि है कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं ना, तो आधार को ए लिख देता हूं। तो एल लेंथ, और लेंथ क्या होगी, 12 हाइपोटेनस, 13 बेस क्या है, 5 हाइपोटेनस, 13 लेंथ क्या है, 12 और बेस क्या है, 5, तीनों का मान आ गया। बस यही सिद्ध करना था और कुछ सिद्ध नहीं करना था। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके ट्रू एंड फॉल्स का, तो वो तो मैं आपको यहाँ पर करके कैसे बताऊँ। तो उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मैं लिख देता हूँ आपको डायरेक्ट कि पी का मान 12/13 और इसका मान हो जाएगा 5/13 और इसका मान हो जाएगा 12/5। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो धन्यवाद आपका।